डेस्टिनेशन टू। तो चलते हैं, अभी रवाना देते हैं दीदी और जीजा जी का बाय इधर, और एक दीदी और जीजा जी का बाय करेंगे हम लोग, और मैं और मम्मी जाएंगे मामा के घर। देखते हैं मामा क्या खिलाते हैं और कितना पैसा देते हैं। मेरा नाम है श्रीजाना भंडारी और आज हम लोग जाने वाले हैं मामा के घर। हे वेलकम गाइस, दिस इज मी ध्रुव शर्मा साइनिंग इन एनएस ब्लॉग। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो आज डे टू हम लोग हैं भूटोल में और जाने वाले हैं मामा के घर। थोड़ा एक्साइटेड है, बहुत दिन बाद जाने वाले हैं, और मैं मम्मी जाएंगे अब मामा के घर और आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का व्यू। सो अभी डिविजन हो गया तो वो लोग जाएंगे, मतलब जीजा जी अपने घर जाएंगे और हम लोग जाने वाले हैं मामा के घर। अभी बस पकड़ेंगे और जाएंगे घुमई। सो फाइनली मामा जी आए हम लोग को लेने के लिए, और इस बस से हम लोग आए हुए हैं। रास्ते का हालत पूरा ख़राब है, और ये जो रास्ता है ये पूरा सीधा काठमांडू की तरफ जाता है। एंड अभी हम लोग हैं भूमई चौक, भूमई। सो पहली बार मैंने फल लिया हुआ है। मम्मी बोली थोड़ा फल लेने के लिए। अभी चलते हैं सीधा मामा जी का घर जाएंगे और दिखाते हैं आप लोग को। बस ऐसा ऐसा है रास्ता यहाँ का। अभी मम्मी और हम आए और सीधा जा रहे हैं। सो फाइनली वी रीच मामा जी का घर इन नेपाल, और अभी अंदर जा रहे हैं। नेपाल भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो गया, अच्छा खासा अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पूरा आप लोग देख ही पा रहे हैं, हम लोग जैसे ही लग रहा है पूरा एरिया। एंड यहाँ से पूरा व्यू है, वहाँ पे सामने पहाड़ है और व्यू का नज़ारा बहुत शानदार है। और कल आपको लेके चलेंगे पूरा एकदम हम लोग का जहाँ पे गांव था पूरा पहाड़ के अंदर, और वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे पूरा, वहाँ पे कैसे है लाइफस्टाइल और कैसे थे। अभी तक तो अपना जैसे लग रहा है। एंड ये मेरे मामा का घर है सामने जो दिखाई दे रहा है। नेपाल का फ्लैग, और ये मेरे मामा जी का घर है। तो पूरा आप लोग को व्यू दिखा रहा हूँ मामा जी का घर, और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशन चल रहा था, सुबह सुबह पूजा हो गया। मम्मी सुबह सुबह बैठ बैठ कर प्रसाद खा रही है अभी। तो ये मामा जी का पूरा फैमिली, दो बेटे, बेटे की वाइफ, मामी और मामा, एंड ये मेरे भाई है सागर, रिसेंट अभी शादी हुआ है इसका। अभी गोप्रो वहाँ रखा हुआ है, लैपटॉप वहाँ है, एडिटिंग होगा थोड़ा देर में। और ये मेरे बचपन में मेरे घर में भी था, एक तरफ कैसेट और ये रेडियो सिस्टम है, एंड ये वाला तो अभी भी है मेरे पास। मेरी मामा जी और मम्मी बैठी हुई, बातें चल रही, गप सप चल रहे हैं अभी, पुराने पुराने बातें। किचन में एंट्री कर रहे हैं। सो नेपाल का किचन तो लग नहीं रहा है, हम लोग के वहाँ का जैसे लग रहा है। वार्डरोब लगा हुआ है एंड हॉल। अभी पहाड़ में जाएंगे तो आप लोग को पूरा नेपाल का टच रहेगा। आम का अचार, अचार माय फेवरेट, घर में ही बनता है, और यहाँ पे रखा हुआ है धूप सुखाने के लिए। पीछे खेत नहीं, पीछे बगान बनाया हुआ है, तो बहुत सब्जी लगे हुए हैं। एंड ये पीछे छोटा सा एरिया है घर के पीछे, जहाँ पे सब्जी वब्जी उगाए हुए हैं, फ्रेश फ्रेश खाना हम लोग को मिल रहा है यहीं से सब्जी वब्जी। कल मकाई भी खाए हम लोग, भुट्टा जिसको बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, और आज भी कॉर्न खाएंगे। ये मुझे पता नहीं था, मैं जब पहला आया था सोचा था इसमें टंकी ढका हुआ होगा पानी का ठंडा रखने के लिए, बट ये खाना है भैंसों का। तो नेपाल का भैंस, हिंदी नहीं समझ में आ रहा इसलिए देख रही मुझे। भाई लोग का कमरा में आए, भाई लोग सो रहे हैं, अभी बज रहे हैं 7:18, सुबह हो गया। यहाँ तो सब सुबह सुबह उठ जाते हैं, ये लोग देखें अभी तक उठे नहीं। सामने खेत, सामने पहाड़, इधर टाउन, सब मिक्सअप है।
अच्छा लग रहा है। सब पूछते हैं सीधा मम्मी से, कैसा लग रहा है आपको अपने भाई के घर आके इतना दिन बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के पास अपना कुंडली दिखाने के लिए। मामा जी, मामी जी, मम्मी, पंडित जी। सो मम्मी को फाइनली गिफ्ट मिला मामा की तरफ से और हम लोग ने खरीदा इसको यहाँ से। और ये नेपाल का ट्रेडिशनल है, क्या मानते हैं ना, तिलहरी। अब चलते हैं सीधा पंडित जी के पास। सो मार्केटिंग हो गया और जाएंगे और नेपाली टोपी पहन लिए। तो नेपाली में अली अली कूड़ा भी नहीं करना पड़ा बीच बीच में, तो भंजू मैंने नेपाली में कूड़ा। अब हेरम कता जानी हो।